आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा फेस सीरम शेयर कर रही हूँ जिसको अगर रोज रात में सिर्फ दो बूंद अगर आप अपने चेहरे पे लगा लेते हो तो यकीन माने 40 की उम्र में भी आप 20 की खूबसूरती पाने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज का वीडियो एकदम मिस ना करें, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। आज आप बसंत पंचमी हैं और आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। माता सरस्वती आपके घर में विराजमान हो, क्योंकि जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी तो आ ही जाती हैं। तो आप सबके घर में सरस्वती का वास हो और आप सबका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, इसी आशा उम्मीद के साथ आज का मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा एंटी एजिंग सीरम जिसका सिर्फ दो बूंद अगर रोज रात में अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करते हो तो 40 की उम्र में भी आप 20 के दिखने वाले हो। बहुत ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपकी स्किन होने वाली है। धीरे धीरे अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइन रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, अगर आपके चेहरे अनइवन स्किन टोन है, डार्क स्पॉट है, डलनेस है, अंडर आई रिंकल्स है, तो उन सब की परेशानी धीरे धीरे आप देखोगे कि चली गई। एक बार में मैजिक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इन सब के ऊपर जो है वो इफेक्ट आने वाला है। साथ ही साथ अगर इस सीरम को यूज़ करते हो, साथ ही साथ अगर आप अच्छा डाइट लेते हो, अच्छा इनटेक करते हो, वाटर इनटेक करते हो, थोड़ा सैलेड खाते हो, फ्रूट्स वगैरह खाते हो, थोड़ा स्प्राउट खाते हो, तो आप और भी ज़्यादा जो है आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दें। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा और भी जो भी चैनल है सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इस सीरम को बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है गाजर यानी कि कैरेट। तो आपको ले लेना है एक गाजर और उसको अच्छे से छिल देना है ताकि वो आप जो उसको ईजी हो उसको ग्राइंड करने में। उसको छिलने के बाद उसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कट कर देना है, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख देना है। गाजर क्या करता है, आपके स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है, टाइटन करता है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे कोई डार्क स्पॉट है, डलनेस है, उन सबको भी ये ठीक करता है। गाजर बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। अब जो इसके अंदर आपको सेकेंड इन्ग्रीडियंट लेना है वो है चुकंदर यानी कि बीटरूट। अब बीटरूट आपको कितना लेना है, एक आपको बीटरूट भी लेना है, उसको भी छिलका ऊपर से पीलर के हेल्प से आपको छिलका हटा देना है और उसका भी आपको छोटा छोटा टुकड़ा कर देना है। आप सबको पता है बीटरूट खाने में भी कितना हेल्दी होता है। अगर आपको ब्लड की कमी है, अगर आपको खून की कमी है, तो बीटरूट बहुत बेनिफिशियल होता है खून को बढ़ाने में। जैसे गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आपकी आँख कमज़ोर है, अब आप लोगों को लगेगा कि छवि के आँख, फिर छवि के आँख कैसे क्यों ठीक नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा गाजर खाती हूँ, उसकी वजह से मेरा पावर पिछले 10 साल से जो है वही है, बढ़ा नहीं है, ठीक है। तो गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वैसे ही बीटरूट जो है हमारे खून की अगर कमी हो गई है तो खून की कमी को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे स्किन में ग्लो लाता है, हमारे स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, टाइटन करता है, ठीक है। तो आपको एक बीटरूट लेना है, उसको भी आपको छिलके को हटा देना है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कट कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है थर्ड इंग्रेडिएंट, और थर्ड इंग्रेडिएंट लेना है रोज़ वाटर। कोई भी किसी भी ब्रांड का आपके पास रोज वाटर है हो आप ले सकते हो। मैं डाबर का यूज़ करती हूँ तो मैं डाबर का ले रही हूँ। तो इसके अंदर आपको फोर्थ इंग्रेडिएंट लेना है वो है एलमंड यानी कि बादाम। अब बादाम आपको कितना लेना है, 5 बादाम लेना है, और 5 बादाम ले करके आपको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए उसको रोज वाटर के अंदर ही भिगो के रखना है। जब 1-2 घंटे के बाद जब वो भीग मतलब 1-2 घंटे के बाद आपको क्या करना है, बादाम लेना है, उसके छिलके को हटा देना है, ठीक है। अब वो जो 5 बादाम है उसको भी आपको इसी ग्राइंडर में डालना है, यानी कि इस ग्राइंडर में आपको लेना क्या क्या है, चुकंदर, ये गाजर, बादाम, इन तीनों को डालने के बाद आपको रोज वाटर डालना है इतना जो कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब एक बार ये ग्राइंड हो जाता है उसके बाद कपड़े के हेल्प से, कोई भी मलमल का कपड़ा हो उससे अच्छे से इसको छान लें। जब आप इसको छान लेते हो उसके बाद जो वो जूस में बचता है उसको आपको ले लेना है। आपको मैं पहले भी बताई हूँ, अभी फिर से बता रही हूँ, जो रोज़ वाटर है वो थोड़ा आप ज़्यादा लें,
क्योंकि सीरम बनाना है तो थोड़ा अगर आप ज़्यादा लेते हो रोज़ वाटर तो ज़्यादा बेटर होगा, पानी ना ले रोज़ वाटर बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। आलमंड क्या करता है, फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर काम करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन को फेयर करता है, जो डार्क स्पॉट है डलने से उन सब की परेशानी को ठीक करता है। अगर आपके चेहरे पे चेचक के जो दाग हो गए हैं, यहाँ तक की कैपेसिटी है आलमंड के अंदर, उसको भी ठीक करने की, ठीक है। अब जो ये जूस आपका बच गया है उसके अंदर आपको क्या मिलाना है, वो विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आपके पास, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको विटामिन ई के कैप्सूल सूट नहीं करते हैं तो आप एकदम से इसको स्किप कर सकते हो, या फिर अगर आपको सूट करता है तो आप इसको डाल सकते हो, दो नहीं इसके जगह पे आप एक कर सकते हो। तो 4 के इसके अंदर आप 2 से 1 विटामिन ई के कैप्सूल आपको डाल देना है, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है बादाम रोगन सीरीन। वो जो रोगन बादाम सीरीन आता है ना ऑयल, वो आपको यूज़ करना है। रोगन बादाम सीरीन आपको कितना ऑयल यूज़ करना है, तो 1 to 2 ड्रॉप जो है इसके अंदर आपको ऐड करना है। मैं इसके अंदर रोगन बादाम सीरीन यूज़ करती हूँ। आपका जो भी फेवरेट ऑयल हो, जो आपको सूट करता है, आप इसके अंदर डाल सकते हो। कोई भी एसेंशियल ऑयल आप ना डालें, सिर्फ जो भी ऑयल होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल हो गया, या फिर जो भी आप जोजोबा ऑयल हो गया, जो भी आप ऑयल आपको सूट करते हैं आप डाल सकते हो 1 to 2 ड्रॉप। अब जो इसके अंदर आपको लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल आपको कितना इसके अंदर ऐड करना है, 1 स्पून। 1 स्पून एलोवेरा जेल ऐड करोगे, एकदम अच्छे से मिक्स करोगे, एकदम अच्छे से स्पून के हेल्प से ब्लेंड करोगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक या फिर उससे भी ज़्यादा, जब तक ये एकदम अच्छा सा सीरम ना बन जाए। उसके बाद कोई भी कांच के बॉटल में, प्लास्टिक में नहीं यूज़ करें आप, कांच के बॉटल में कोई भी ड्रॉपर वाला अगर आपके पास बॉटल होगा ना तो वो बेस्ट होने वाला है। लेकिन अगर ड्रॉपर वाला नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी कांच के बॉटल के अंदर आप इसको स्टोर कर दें। अब इसको रोज़ रात में जब आप बेड पे लगे आपको कि आप सोने जा रहे हो, उसके पहले पहले अपने फेस को अच्छे से कोई भी DIY फेस वॉश से या फिर कोई भी मार्केट वाले फेस वॉश से वॉश करें फेस को, और उसके बाद इस सीरम को जो है आप अपने फेस के ऊपर 2 to 3 ड्रॉप पूरे फेस के ऊपर, अंडर आई, नेक, सबके ऊपर आप लगा लें। 1 मिनट तक हल्का मसाज कर दें, उसके बाद आप इसे ओवरनाइट छोड़ दें। जब आप सुबह उठते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और खूबसूरत और टाइट हो जाती है। इस प्रोसेस को अगर आप रोज़ यूज़ करते हो, इस प्रोसेस को अगर आप रोज़ करते हो तो धीरे धीरे देखोगे आपके चेहरे से फाइन लाइन, रिंकल्स, डार्क स्पॉट सब खत्म हो गया और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट और खूबसूरत हो गई है। इस सीरम को स्टोर करके फ्रिज के अंदर आप आराम से तकरीबन 5 to 6 डेज तक रख सकते हो, उससे भी ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन 5 से 6 दिन तक तो आराम से इसको स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपकी उम्र 17 साल की हो गई है तो आराम से इस सीरम को आप यूज़ कर सकते हो, नाइट सीरम, और ये गजब का रिजल्ट आने वाला है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आया हो। वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भर भर के शेयर करें, और भी अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। और हाँ, कुछ बताना रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। बाय।